दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट में अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाते हुए गिल का तूफानी शतक तो देखने लायक था, जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों का नाम भी शुमार है। तो आखिर अब डेविड वार्नर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ से लेकर शेन वॉटसन, ब्रैटली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने क्या कुछ कहा गिल की तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधते हुए। आखिर किसने गिल को नया विराट कोहली तक बता दिया? उन सभी दिग्गजों के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच शुरू से पहले यदि किसी खिलाड़ी की सबसे अधिक आलोचना हुई तो वो थे टीम इंडिया के शुभमन गिल। यहां तक कि लोगों ने तो उन्हें टीम से बाहर निकालने की भी डिमांड कर ली थी, लेकिन रोहित को उन पर बहुत भरोसा था। कप्तान ने उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में आखिरी मौका दिया और गिल ने बता दिया कि आखिर वो क्यों एक खरा सोना है। तीसरी पारी में भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया था। रोहित, यशस्वी से लेकर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया था। ऐसा लगा था इंग्लैंड मुकाबले में वापसी कर जाएगी, लेकिन सलाम है शुभमन गिल को। उनका हौसला बुलंद था और उनके मजबूत इरादों के सामने खुद इंग्लैंड के गेंदबाज भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उन्हें अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह भारत को संभाले रखा। पहले तूफानी अर्धशतक लगाया, वो भी केवल 61 गेंद पर। इस दौरान उन्होंने 38 रन तो केवल चौके छक्कों से ही बटोर लिए थे। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वो तो उन्होंने बचपन से कभी सीखा ही नहीं। टीम इंडिया को मुकाबले में उन्होंने जिंदा रखा और फिर वो क्षण आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, शुभमन गिल ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए आखिरकार 132 गेंद पर अपने शतक के आंकड़े को पार कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। इस दरमियान उन्होंने 11 चौके तो वहीं दो खौफनाक छक्के बरसाए और इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया को 398 रन तक पहुंचा दिया, बल्कि इंग्लैंड को 399 रनों का ऐसा लक्ष्य दिया जिसे हासिल कर पाना तो उनके लिए नामुमकिन से भी मुश्किल लग रहा है। अपनी घातक बल्लेबाजी से उन्होंने 11 महीने बाद शतक लगाकर न केवल आलोचकों की बोलती बंद की बल्कि हर किसी का दिल जीत लिया। आखिर हो भी क्यों ना, ये तो उनके लिए बेहद खास शतक था। इसके बाद तो उनके लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है, सभी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी अब उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉटसन का कहना है कि कहीं ना कहीं यदि गिल मैदान में नहीं होते तो टीम इंडिया ये मुकाबला भी गंवा देती, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाज टॉप फॉर्म में चल रहे थे। उनकी ये पारी लॉन वॉरियर की तरह आई जो इसे और भी खास बनाती है। वेल प्लेड यंग मैन, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। तो वहीं खुद ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अब कह दिया कि मैं तो इस खिलाड़ी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, ये टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट पारियों में से एक है। इतनी मुश्किल घड़ी में यदि शायद गिल नहीं होते तो शायद भारत इंग्लैंड पर इतनी बड़ी लीड कभी भी नहीं ले पाते। उन्हें इस खूबसूरत पारी की बहुत बहुत बधाई। यहां तक कि डेविड वार्नर ने भी गिल की जमकर तारीफ करते हुए कह दिया कि सच में मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। गिल के लिए इस होनहार खिलाड़ी में कितना टैलेंट है ये उसे पता नहीं, ये कितनी बार दिखाया। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन में गिल जैसा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। गिल और यशस्वी के रूप में टीम इंडिया को दो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी मिल चुके हैं। वेल डन गिल, आप नेक्स्ट विराट कोहली जरूर बनेंगे, ऐसा मेरा कहना है। दोस्तों, जहां एक तरफ वार्नर गिल को नया विराट बता रहे हैं तो वहीं उनकी खतरनाक पारी देखकर तो स्टीव स्मिथ भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि पहली पारी में यशस्वी जायसवाल, दूसरी पारी में शुभमन गिल, निश्चित तौर पर टीम इंडिया में जितना यंग टैलेंट है वैसा दुनिया में कहीं नहीं है। इस खिलाड़ी को खूब बधाई, उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि वो दुनिया जीतने के लिए बने हैं और कोई भी उन्हें उनका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकता है। तो वहीं अंत में खुद ब्रैटली ने भी गिल को सलाम किया। गिल की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि गिल मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्होंने ही इस मैच में टीम इंडिया को जिंदा रखा है। जब उनका बैट चलता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद सचिन तेंदुलकर मैदान में उतर आए हो। उनकी बैटिंग देखना मुझे खूब पसंद है। दुनिया के युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में कहीं ना कहीं गिल टैलेंट के मामले में नंबर वन पर आते हैं। खूब, बहुत खूब गिल। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने तो सच में गिल को सिर आंखों पर बिठा लिया। अब आपको क्या लगता है गिल और यशस्वी में कौन बन सकता है इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।